इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोज़ में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। आज की स्टोरी है अकबर और बीरबल की, जिसमें हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी सीखेंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। अ ब्राह्मिन लिव्ड, अ ब्राह्मिन लिव्ड, एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को हिंदी में ब्राह्मण कहते हैं। लिव्ड रहता था। इन अकबर्स किंगडम, इन अकबर्स किंगडम, अकबर के साम्राज्य में। ये एपोस्ट्रॉफी, ये एस, जब एपोस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है का की के। यहां पर इन अकबर्स किंगडम है तो अकबर के साम्राज्य में, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। एक ब्राह्मण अकबर के साम्राज्य में रहता था। ही यूज टू गेट एंग्री, ही यूज टू गेट एंग्री, वह गुस्सा हो जाया करता था। यूज टू गेट एंग्री का मतलब है गुस्सा हो जाया करता था। क्विकली, जल्दी से, क्विकली का मतलब है जल्दी से या फिर बहुत जल्द, जल्दी से, वह बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाया करता था। वन डे, वन डे, एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन। ही फाउंड अ हेयर, ही फाउंड, उसे मिला अ हेयर, एक बाल। फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। यहां पर ही फाउंड है तो इसका मतलब होगा उसे मिला आ एक, हेयर का मतलब होता है बाल। इन हिज फूड, इन हिज फूड, उसके खाने में, फूड का मतलब होता है खाना। एंड और शाउटेड, और वह चिल्लाया, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड है तो चिल्लाया। एट हिज वाइफ, एट हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, हिज अपनी। दिस शुड नॉट हैपन अगेन, दिस शुड Not happen, ऐसा नहीं होना चाहिए। Again, दोबारा, again का मतलब है दोबारा। Should not happen, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। If it happens again, if it happens again, अगर ये दोबारा होता है, happens का मतलब होता है again दोबारा, if अगर। I will punish you, I will punish you, मैं तुम्हें सजा दूंगा। punish का मतलब होता है सजा देना या फिर दंड देना। will punish है तो सजा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, जब विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं आई विल पनिश यू में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हिज वाइफ कुक्ड, हिज वाइफ कुक्ड, उसकी पत्नी खाना बनाया करती थी। कुक का मतलब ऐसे होता है खाना बनाना, लेकिन हम यहां पर इसे कहेंगे पकाना।
उसकी पत्नी पकाती थी। द फूड खाना वेरी केयरफुली बहुत संभल कर, वेरी का मतलब होगा बहुत, केयरफुली का मतलब होगा ध्यानपूर्वक या फिर संभल कर उसकी पत्नी बहुत संभल कर खाना बनाती थी। शी यूज्ड टू कीप वो रखा करती थी, कीप का मतलब होता है रखना, यूज टू कीप है तो रखा करती थी। हर हेयर अपने बाल, टाइड बंधा हुआ, टाइट का मतलब होगा बंधा हुआ, वह अपने बाल बंधा हुआ रखती थी। सो दैट का मतलब है ताकि। इट वुड नॉट फॉल आउट ताकि ये ना गिरे, फॉल आउट का मतलब होगा गिरना, ताकि ये ना गिरे। अगेन दोबारा, वाइल कुकिंग खाना बनाते समय, वाइल का मतलब होगा के समय, कुकिंग खाना बनाते। अ वीक लेटर एक हफ्ते बाद, वीक का मतलब होगा यहाँ पर हफ्ता या फिर जिसे हम सप्ताह भी कहते हैं, एक सप्ताह बाद, लेटर का मतलब है बाद। ध्यान दीजिएगा एक WEAK होता है, इस वीक का मतलब होता है कमजोर, और EE है तो इसका मतलब होगा सप्ताह। द ब्राह्मिन वंस अगेन फाउंड उस ब्राह्मण को एक बार फिर मिला, वंस अगेन का मतलब है एक बार फिर, फाउंड उसे मिला या उसने पाया, हेयर बाल, इन हिज फूड अपने खाने में या फिर उसके खाने में ब्राह्मण को एक बार फिर बाल मिला। एनफ बहुत हो गया, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, या फिर अगर गुस्से से कहा जाए तो इसका मतलब होगा बहुत हो गया। दैट्स एनफ, दैट्स एनफ बहुत हो गया, एनफ दैट्स एनफ यानी बहुत हो गया। टुडे आज, आई'ल शेव योर हेयर आज मैं तुम्हारे बाल मुड़वा दूंगा। ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, शेव का मतलब होता है मुड़वाना या फिर हम कहेंगे बनवाना, आज मैं तुम्हारे बाल बनवा दूंगा। ही सेड उसने कहा, सेड का मतलब है कहा, सेड से का सेकेंड फॉर्म है, से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। एंड रश्ड और दौड़ पड़ा, रश्ड का मतलब है दौड़ पड़ा। टू कॉल बुलाने के लिए, कॉल का मतलब होगा बुलाना, और वो बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। द बार्बर नाई को, बार्बर का मतलब होता है नाई। होम घर, वह घर पर नाई को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। द ब्राह्मिन्स वाइफ ब्राह्मण की पत्नी, एंड हर ब्रदर और उसका भाई, ब्रदर का मतलब होता है भाई, हर उसका, केम टू बीरबल
बीरबल के पास आए, केम का मतलब होगा आए, टू बीरबल बीरबल के पास, टू आस्क फॉर हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, हेल्प का मतलब मदद। बीरबल सेड, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, अरेंज सम वुड, अरेंज सम वुड, कुछ लकड़ियों की व्यवस्था करो। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। सम कुछ, वुड लकड़ी। देन ही विस्पर्ड समथिंग, देन फिर ही विस्पर्ड समथिंग, फिर उन्होंने कुछ धीरे से कहा। विस्पर का मतलब ऐसे होता है कान में खुसफुसाते हुए कहना, लेकिन हम यहां पर इसे कह सकते हैं धीरे से, धीरे से कहा समथिंग कुछ। समथिंग का मतलब होता है कुछ। इन हिज ब्रदर्स ईयर, इन यहां पर हर होगा, हर ब्रदर्स ईयर, उसके भाई के कान में। ईयर का मतलब होता है कान, ब्रदर्स ईयर है तो भाई के कान। उन्होंने धीरे से उसके भाई के कान में कुछ कहा। दे वेंट टू द ब्राह्मिन्स हाउस, दे वेंट, वो गए, दे का मतलब है वे, यानी वो लोग, ब्राह्मण की पत्नी, उसकी पत्नी का भाई और बीरबल। वेंट गए, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गए। टू द ब्राह्मिन्स हाउस, ब्राह्मण के घर, हाउस का मतलब होता है घर। एंड स्टार्टेड डेकोरेटिंग, एंड स्टार्टेड डेकोरेटिंग, और सजाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब होगा शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, स्टार्टेड डेकोरेटिंग है तो सजाना शुरू कर दिया। अ फ्यूनरल पायर, अ फ्यूनरल पायर, एक अंतिम संस्कार की चिता। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, और पायर का मतलब होता है चिता। देन द ब्राह्मिन ऑल्सो केम, देन फिर द ब्राह्मिन, वो ब्राह्मण, ऑल्सो केम, भी आ गया, फिर वो ब्राह्मण भी आ गया। ऑल्सो का मतलब होता है भी, केम आ गया या फिर आया। विथ द बार्बर, विथ द बार्बर, उस नाई के साथ। द ब्रदर फोर्सफुली कॉट द ब्रदर फोर्सफुली कॉट, भाई ने जबरदस्ती पकड़ लिया। फोर्सफुली का मतलब होगा जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक, बलपूर्वक। कॉट पकड़ लिया, पकड़ लिया। कॉट कैच का सेकेंड फॉर्म है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, और कॉट है तो पकड़ लिया। द ब्राह्मिन, उस ब्राह्मण को, एंड मेड हिम सिट, एंड मेड हिम सिट, और उसे बैठा दिया। मेड सिट का मतलब होगा बैठा दिया, हिम उसे। ऑन द पायर, ऑन द पायर, चिता पर। ऑन का मतलब है पर, पायर का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया चिता। ही शाउटेड, ही शाउटेड, वह चिल्लाने लगा। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड है तो चिल्लाया। आई एम नॉट डेड, आई
एम नॉट डेड, मैं मरा हुआ नहीं हूं। डेड का मतलब है मरा हुआ, एम का मतलब हूं, नॉट नहीं, आई मैं मरा हुआ नहीं हूं। बीरबल सेड, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। ब्राह्मण ने चिल्लाते हुए कहा मैं मरा नहीं हूं, फिर बीरबल ने कहा। बीरबल ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम, अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। अ वाइफ्स हेयर, अ वाइफ्स हेयर, पत्नी का बाल। कैन ओनली बी कट, कैन ओनली बी कट, सिर्फ काटा जा सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति के मृत्यु के बाद ही। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पत्नी के बाल सिर्फ पति के मृत्यु के बाद ही काटे जा सकते हैं। द ब्राह्मिन स्टार्टेड क्राइंग, द ब्राह्मिन स्टार्टेड क्राइंग, ब्राह्मण ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना, तो हम यहां पर रोना भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण ने रोना शुरू कर दिया। फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, माफ करना। मी मुझे, मुझे माफ कर दो। आई विल कंट्रोल माई एंगर, आई विल कंट्रोल, मैं काबू रखूंगा या फिर नियंत्रण में रखूंगा। माई एंगर, अपने गुस्से को। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित रखना या फिर नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना। एंगर का मतलब गुस्सा। मैं अपने गुस्से को नियंत्रण में रखूंगा। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स का मतलब है आज के बाद से, आज के बाद से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।